2019 से पूरी दुनिया में पैर पसार चुका कोरोना वायरस अब इस दुनिया से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं आपको बता दें, एक साल पूरा बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना संक्रमण कम होने की बजाय उल्टा बढ़ता जा रहा है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जो वाकई चौंकाने वाली है। रिपोर्ट में जो बात सामने आई है, उसके दौरान देश भर में 44,202 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए हाल फिलहाल की, तो अब देश में कोरोना के कुल 1,23,92,260 मामले चल रहे हैं। इनमें से 1,15,69,241 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 6,58,909 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वही अगर बात की जाए इस महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की, तो अब तक 1,64,110 लोग अपनी जान कोरोना वायरस के कारण गंवा चुके हैं। वहीं इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है कोरोना के मामलों में। जी हाँ, अगर बात की जाए पेशेंट्स डेटा की, तो पेशेंट्स डेटा में हाईएस्ट उछाल सामने आया है और 89,000 मामले आज के दिन सामने आए हैं, जो वाकई चिंताजनक है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में 714 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।